अगर आप में भी टैलेंट है तो बंदिशें आपको सफलता पाने से पहले बांध नहीं सकती। आज की हमारी कहानी भी एक ऐसे ही आर्टिस्ट के बारे में है जिसने अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल किया और खुद को भारत के सबसे लोकप्रिय व्यक्तियों में से एक बनाया। आज की हमारी कहानी बीबी की वाइन्स यानी कि भुवन बाम के बारे में है। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि भुवन बाम एक यूट्यूब सेलिब्रिटी है। ये यूट्यूब पर अपनी फनी वीडियोज और सॉन्ग्स के लिए जाने जाते हैं। भुवन बाम एक सिंगर, एक्टर, सॉन्ग राइटर, कंपोजर और एक कॉमेडियन है। अगर ऐसा कहें कि वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में वाइन्स को फेमस करा तो ये गलत नहीं होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के सबसे पहले यूट्यूब सेंसेशन भुवन बाम के बारे में बताएंगे। भुवन बाम का जन्म 22 जनवरी 1995 को बड़ौदा गुजरात में हुआ था, पर उनके जन्म के कुछ समय के बाद ही उनका परिवार न्यू दिल्ली शिफ्ट हो गया था और उनकी परवरिश दिल्ली में ही हुई। भुवन बाम ने अपनी स्कूल की पढ़ाई ग्रीन फील्ड स्कूल से की है। आपको बता दें कि भुवन का बचपन से ही मन पढ़ाई में कुछ कम रहता था, जबकि दूसरी चीजें जैसे सिंगिंग और कॉमेडी में उनका खासा इंटरेस्ट था। वे हमेशा ही स्कूल के बच्चों को जोक सुनाते रहते थे और काफी हंसी मजाक किया करते रहते थे। पढ़ाई में कमजोर भुवन ने जैसे तैसे अपनी 10वीं क्लास पास करी। 11वीं क्लास में आने के बाद उनके पेरेंट्स ने उन्हें कॉमर्स स्ट्रीम दिलाई। कॉमर्स स्ट्रीम लेकर उन्होंने जैसे तैसे 12वीं क्लास भी पास कर ली। जिस दौरान उनका पढ़ाई में कम इंटरेस्ट था, उसी दौरान उनका सिंगिंग में इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान अपने सिंगिंग के पैशन को फॉलो करते हुए भुवन ने यूट्यूब से अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने भी सीख लिए। भुवन ने 11वीं क्लास में कॉमर्स स्ट्रीम ली थी, इसीलिए उनके घर वाले चाहते थे कि वे कोई प्रोफेशनल डिग्री करें, पर भुवन के मन में तो कुछ और ही था और इस बार उन्होंने अपने घर वालों को इसके लिए मना भी लिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भुवन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के शहीद भगत सिंह कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स करने का फैसला करा। इसी दौरान उन्होंने एक रेस्टोरेंट में गाना शुरू करा और अगले 2 सालों तक वहीं पर गाया और इसी की वजह से उनका सिंगिंग का टैलेंट भी निखरता गया। इसी दौरान उन्होंने खुद का लिखा हुआ एक गाना गाया और उसको ऑनलाइन सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। ये गाना इंटरनेट पर थोड़ा वायरल हुआ और इसी तरह वे फॉक्सटार स्टूडियोज जैसी नामी ग्रामी प्रोडक्शन हाउस के पास तक जा पहुंचा। फॉक्सटार स्टूडियोज को ये गाना बहुत ही ज्यादा पसंद आया। इसी के चलते भुवन के पास प्रोडक्शन हाउस से गाने बनाने के लिए कॉल आया। भुवन ने उनके लिए 2 गाने तैयार करे पर उनको वे पसंद नहीं आए। इसके बाद उन्होंने दोबारा से खूब मेहनत करी और अगले 10 दिनों में 7 गाने और तैयार करे, पर उनको दुख तब हुआ जब स्टूडियो को वो गाने भी पसंद नहीं आए। पर इस बात को भी भुवन ने जल्दी भुला दिया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। इसी दौरान एक दिन उन्होंने एक पत्रकार की अजीब रिपोर्टिंग को देखते हुए उस पर एक फनी वीडियो बनाई और उस वीडियो को फेसबुक पर अपलोड कर दिया, जहां पर वो वीडियो वायरल हो गई और उस पर 15,000 व्यूज आए। इस वीडियो की सफलता के बाद भुवन समझ चुके थे कि उनको आगे क्या करना है। इसके बाद उन्होंने 4 वीडियोज और अपलोड करी जिनमें से एक को एक ही दिन में 15 लाइक्स मिले। भुवन को मोटिवेट करने के लिए ये 15 लाइक्स काफी थे। इसी दौरान उनके किसी दोस्त ने उनको सलाह दी कि वे YouTube पर वीडियोस डालकर पैसे भी कमा सकते हैं। इस सलाह को मानते हुए ही भुवन ने YouTube पर बीबी की वाइन्स नाम से एक चैनल बना लिया और उस पर अपने नेक्सस फोन से वीडियो बनाकर अपलोड कर दी। इस वीडियो पर कुछ ही दिनों में 50,000 व्यूज हो गए और आपको जानकर शायद हैरानी होगी, पर वो वीडियो पाकिस्तान की किसी कॉलेज में वायरल हो गई थी। देखते ही देखते भुवन ने और भी कई वीडियोस बनाई और उनकी हर वीडियो एक के बाद एक पॉपुलर होती रही। और फिर तो एक ऐसा समय आ गया जब भुवन बाम इंडिया में पूरी तरह से वायरल हो गए थे। इंडिया के स्कूल के बच्चे हों या कॉलेज के, सभी भुवन बाम के दीवाने हो गए थे। आज वे जिस मुकाम पर हैं उसके पीछे उनके 3 सालों की मेहनत और लगन तो रही ही है, साथ ही साथ उनके टैलेंट ने भी इस मुकाम को पाने में एक अहम रोल अदा किया है। भुवन बाम आज देश के सबसे लोकप्रिय यूट्यूबर्स में से एक हैं और जो चीज इनको औरों से अलग बनाती है वो ये है कि ये आज भी अपने फोन के फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाते हैं। और दोस्तों, आपको ये बात जानकर बहुत खुशी होगी कि इंडिया के 2 इंडिविजुअल क्रिएटर्स भुवन बाम और अमित भड़ाना के 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। आपके हिसाब से इन दोनों में से पहले किसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी कहानी बीबी की वाइन्स यानी कि भुवन बाम की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। हम अगली वीडियो कौन से यूट्यूबर के ऊपर बनाएं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा।